जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। आज हम गंगा दशहरा के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं कि उस दिन हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो इस बार जो है 20 जून 2021 को गंगा दशहरा का पावन पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। गंगा मैया देव नदी मानी गई है। भागीरथ जी के अखंड तपस्या पर प्रसन्न होकर के हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर पधारी। गंगे तव दर्शनात मुक्ति, इतनी महिमा है गंगा जी की कि उनके दर्शन मात्र से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो जीवन के जो 10 विशेष पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंद ब्रह्म पुराण में आया है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हंस संयुता हरते 10 पापानी तस्मात दशहरा स्मृता। मतलब ज्येष्ठ मास के दशमी को जो गंगा मैया आई हैं वो 10 प्रकार के हमारे पापों को हर लेती हैं, इसलिए दशहरा नाम पड़ा। और गंगा जी तो गंगा जी का नाम है ही। तो 10 प्रकार के पाप क्या हैं? 3 प्रकार के कायिक पाप हैं जो अपने शरीर से किया जाता है, कायिक मतलब काया के द्वारा जो किया जाए। 4 प्रकार के वाचिक हैं जो बोल के किया जाता है पाप। और 3 प्रकार के मानसिक हैं, वे तो 3 प्रकार के मानसिक, 3 प्रकार के कायिक और 4 प्रकार के वाचिक मिलाकर के 10 जो महापाप हमारे जीवन में होते हैं वो गंगा दशहरा के दिन हमें स्नान इत्यादि सत्कर्म करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो हम प्रथम चर्चा करते हैं कायिक की। कायिक पाप शरीर से किया गया विशेष पाप होता है। पहला उसमें क्या है कि हमें दूसरे की वस्तु लेना उससे बिना बताए, वो चाहे चोरी की हो अथवा हम धीरे से चुपके से एक भी सामग्री ले लें बिना उससे बताए या उससे मांगे हुए, तो वो जो है महापाप में उसकी गिनती होती है। दूसरा पाप क्या है? पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री के साथ में हमें व्यभिचार करना बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, और जो किसी प्रकार से करते हैं वो महापाप की श्रेणी में आता है। और जो तीसरी बात है शास्त्र विवर्जित हिंसा करना। शास्त्रों में हिंसा का कई प्रकार बताया गया है। किसी को इतना तेज से बोल दो कि बेचारा डर जाए, घबरा जाए, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। ऐसा बाजा बजाओ, इतने जोर से पड़ाका दगाओ कि जो जीव जंतु जो बेचारे सो रहे हैं दिन में थके हुए हैं वो जग जाए, चौंक जाए, भाग जाए, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा के बहुत सारे प्रकार हैं। तो शास्त्र में निहित जो हिंसा है, हिंसा की श्रेणी में आता है, वो भी महापाप की श्रेणी में आता है। तो इन तीनों पापों को कायिक जो है पाप में माना गया है। उसके बाद में जो वाचिक पाप है कि झूठ बोलना, ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरी बात है कटु बोलना, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, जो है हम सत्य भी बोले पर वो प्रियता से बोले, प्रिय सत्य को बोले अथवा उसको प्रेम पूर्वक बोले, हमें उसको कटु में नहीं बोलना चाहिए। तो कटु नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और परोक्ष में मतलब वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं है, उसके पीछे जो है उसके बुराइयों का बखान करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है, उसके बुराइयों की चर्चा करना। और इसमें जो चौथी बात है निष्प्रयोजन बातचीत करना, बिना मतलब का गपबाजी करना, बैठक बाजी करना, ये सब भी पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि मनुष्य का एक एक क्षण समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, इसको सत्कर्म में, भगवान की भक्ति में, सत्कर्म करने में, माता पिता की सेवा में, एक वृक्ष लगाने में, कोई भी जीव जंतु को सुख देने में, सत्कर्म करने में लगाना चाहिए, जिसके कई सारे प्रकार हैं। तो अगर हम निष्प्रयोजन बैठ करके गपबाजी करें तो भी जो है ये जो है वाचिक पाप में आता है। इसके बाद में जो है जो मानसिक पाप आता है कि किसी का दूसरे का द्रव्य हरण करने के लिए हमें चिंतन करना, कैसे उसका जो है हम जो है धन को अपने पास लेके आए। अगर किसी की अच्छी गाड़ी है अथवा अच्छा गाय है, अच्छी भैंस है अथवा अच्छा घर है, उसको देखकर के ईर्ष्या करना और वो नष्ट हो जाए, उसका चिंतन करना। और तीसरा जो है
मानसिक में सबसे बड़ा पाप है नास्तिक बुद्धि रखना, किसी को मानना ही नहीं। ऐसा कहाँ हो सकता है कि सब नकली है, झूठ है ये सब। ऐसा नहीं कि आप धर्म कर्म को ही ना मानो, कई चीजों को भी नहीं मानना, मनमाना काम करना, उसमें नास्तिक बुद्धि रखना, ये महापाप में आता है। तो इस प्रकार से जो पाप हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा दशहरा के दिन सत्कर्म करने से। सत्कर्म हमें क्या करना है, गंगा जी में संभवतः जाकर के स्नान करना चाहिए और कम से कम 10 डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। जब भी हम स्नान करें तो ऐसा पकड़ करके सबसे पहले अपने जो है भगवान के नाम से, फिर माता पिता दादा दादी जो भी जिनसे आप प्रेम करते हैं सबके नाम की एक डुबकी लगा करके, लास्ट में जो है 10-20 डुबकी जिन मंत्रों का जाप करते हैं, शिव राम कृष्ण जिनका भी, उनके मंत्रों से अपने ईश्वर के लिए जो है डुबकी लगाना चाहिए। और कम से कम अगर आप और किसी के लिए नहीं लगाना चाहते 10 डुबकी जो है उस दिन अवश्य लगाना चाहिए। गंगा किनारे गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप गंगा किनारे नहीं जा सकते हैं तो कोई भी पवित्र नदी के किनारे जाकर के हमें पूजा करना चाहिए। और वहां पूजा करने के बाद में मान लिया आप कहीं बाहर भी करें तो कलश के अंदर भी पूजा कर रहे हैं तो उनकी विशेष जो प्रार्थना होता है, ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराये गंगाये नमः, इस प्रकार से आवायाम स्थापयामि बोल करके चावल छोड़ देना चाहिए और चंदन अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करना चाहिए। हवन करना चाहते हैं तो इसी में जो है ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराये गंगाये स्वाहा, इन मंत्रों से आहुतियां प्रदान किया जाता है। पर आप ऐसा स्वयं मत करना, ये आचार्य पुरोहितों के लिए है जो उसके लिए पारंगत हैं, आप वैसे प्रणाम कर लेना। और उस दिन जो है दान का बड़ा महत्व है। दान में जो है जो रसदार के पदार्थ हैं रस देते हैं, जैसे कि आम है, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, इनका दान करना चाहिए। और जो जो सामग्रियों का दान करें कम से कम 10 मात्रा में होनी चाहिए। इसके साथ में पंखा के दान का बड़ा महत्व है। जो हाथ का पंखा है आप वैसा पंखा देना चाहें, कोई जरूरतमंद है तो भी अच्छी बात है। इसके बाद फल की बात बता ही दिया, सत्तू का भी उत्तर भारतीय परंपरा में दान किया जाता है, आम कच्चे आम का भी लोग दान करते हैं। और जल भरा हुआ सुराही, नई सुराही अथवा पानी का घड़ा धो करके जल भर करके उसके दान का भी बड़ा महत्व। और ये एक एक सामग्री जो है कम से कम 10-10 होना चाहिए, 10 मटका हो, 10 पंखा हो, ये हो। अगर हमारे पास सामर्थ नहीं है तो चलो भैया जो राम जी ने दिया है एक एक का ही तो दान कम से कम कर दें। इसके साथ में जौ और तिल के दान का बड़ा महत्व है। ये कितने मात्रा में होना चाहिए तो कम से कम जिसके लिए आप कर रहे हैं कल्याण के लिए कर रहे हैं तो स्वयं कर रहे हैं तो 16-16 मुट्ठी कम से कम जौ और तिल होना चाहिए। किसी प्रकार से समस्या तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अपने छोटे बच्चे की मुट्ठी से बना दिए, लेकिन अगर संभव है तो कम से कम इतना करना चाहिए। और उस दिन हमें व्रत रहना चाहिए, रह सकते हैं, नहीं तो दान इत्यादि करने के बाद में जो है भोजन इत्यादि ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हम कोई भी नदी किनारे नहीं जा सकते तो अपने घर में, जैसे मैं एकादशी के वीडियो में अवश्य निवेदन करता हूँ, सामान्य स्नान करने के बाद में एक बाल्टी में टब में 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, उसमें और जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। इस प्रकार से बहुत बड़ा अवसर है, इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी कथा पिछले वर्ष के वीडियो में है कि कैसे गंगा मैया का उत्तरण हुआ था। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।